पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। दिस इज क्लास न्यू नाइन्थ, यूनिट नंबर इज 7 एंड टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस एंड टुडे इज 18 मार्च 2021। अस्सलाम वालेकुम, टुडे वी विल लर्न अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मींस लाइट, फोटो का मतलब है रोशनी, एंड सेंसेस मीन टू मेक, और सेंसेस का मतलब है बनाना, यानी कि रोशनी की मौजूदगी में बनाना। इट इज़ सेंसेस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। इसमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो इसमें रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। जो क्लोरोफिल है ये एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ही जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। बाकी तमाम जानदार जो हैं, सूरज की रोशनी उन पर भी पड़ती है, वाटर वो भी लेते हैं, लेकिन वो अपनी खुराक इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मिसिंग होता है। तो जो क्लोरोफिल ही मेन फैक्टर है जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, और इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स फूड बनाना, यानी कि ऑटोट्रॉफिक वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। प्लांट्स के अलावा बाकी कोई भी जानदार जो है वो अपनी खुराक जो है वो खुद नहीं बना सकता। इसके अलावा प्लांट्स में मेसोफिल टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि लीव्स की अंदर वाली साइड से पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में जाइलम वेसल्स पाई जाती हैं, ये वाटर और सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा लीव्स के अंदर जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, जहाँ से गैसेज और वाटर वेपर्स की एक्सचेंज होते हैं, और ये बीन शेप्ड होते हैं। अब जब वाटर जो है वो रूट्स के ज़रिए से और जाइलम वेसल, वाटर रूट्स के ज़रिए से प्लांट में एंटर होता है और जाइलम वेसल्स के ज़रिए से लीव्स तक पहुंचता है, तो लीफ के अंदर जो है मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं। मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि तमाम जानदार जो हैं प्लांट्स के अलावा तमाम जानदार ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स के अंदर डिफ्यूज़ करती है, ये लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, लीव्स के अंदर वाली साइड्स पे, और वहाँ पे जब वाटर है वो जाइलम वेसल्स के ज़रिए से पहुँचता है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज़ करते हुए ग्लूकोज को प्रेपरेशन करते हैं, और फिर इसको जो है वो प्लांट्स के तमाम पार्ट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, ये एनिमल्स में और ह्यूमंस में नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स में और ह्यूमंस में जो क्लोरोफिल है नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट है, और ये फोटोसिंथेसिस में बेहद अहम रोल अदा करता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सनलाइट के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर सनलाइट जो है वो कम होगी तो इसका जो प्रोसेस है वो भी कम हो जाता है। इसमें अगर मज़ीद आपको किसी चीज़ की समझ ना आए या कहीं कन्फ्यूजन हो या किसी कंसेप्ट की समझ ना आए, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।